मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। जहन साथियों, मैं सत्येंद्र सर बोध गया फिजिकल एकेडमी में आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो है साथियों, बहुत ही शानदार, जानदार और जिंदाबाद होने वाला है। आज का जो वीडियो है साथियों, आर्मी भर्ती कटिहार और दानापुर यारों से जितने भी अभ्यर्थी बिलोंग करते हैं और जितने भी अभ्यर्थी को जो है तो वेटिंग लिस्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है साथियों, उन सभी भाइयों के लिए आज का जो वीडियो है साथियों बहुत ही शानदार होने वाला। साथियों, बहुत सारे भाई मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट का पूछा वेट दीजिए। भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से सही और सटीक जानकारी दी जाती है, अनाप शनाप वीडियो में नहीं डालता हूं साथियों। तो जब तक हमारे पास कोई सटीक और सही जानकारी नहीं आती है, तब तक मैं वीडियो अपने चैनल पे नहीं डालने की कोशिश करता हूं साथियों। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का ये वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार होने वाला है साथियों। मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत बेसब्री से, बहुत दिनों से जो आप लोग वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को बहुत बड़ा बिग अपडेट देने जा रहा हूं साथियों। तो साथियों, इससे पहले सभी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि फटाफट जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं साथियों, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी मैं सही और सटीक वीडियो अपने चैनल पर मैं डालूं, आप लोग को जो है सही और सटीक जो है वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके साथियों। मैं आगे बढ़ता हूं, तो मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि आप लोगों का जो वेटिंग लिस्ट है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, तीनों फेज का जो है वेटिंग लिस्ट आ गया है साथियों। पैरा कमांडो में जितने अभ्यर्थी गए थे, जो भी सीट खाली हुआ था, वो भी सीट को जो है वेटिंग लिस्ट में भर लिया गया है। या आपका जीडी का हो, या आपका टेक्निकल का हो, या क्लर्क का हो। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि पैरा कमांडो में जितने अभ्यर्थी गए हैं, जो सीट खाली हुआ था, वो सीट को जो है सो फिलअप कर लिया गया है वेटिंग लिस्ट में। तो जीडी वाले को भी जो है सो, जिनका भी पैरा कमांडो में सिलेक्शन हुआ था, वो सीट जो खाली हुआ है उसका जो है फिलअप कर लिया गया है। या तो आपका जीडी का हो, या टेक्निकल का हो, या आपका ट्रेडमैन का हो, नर्सिंग को छोड़कर, क्योंकि नर्सिंग में सीट साथियों खाली हुआ नहीं है। तो वेटिंग लिस्ट में जो है सो आपको जीडी का, टेक्निकल का और ट्रेडमैन का, इस सभी भाइयों को जो है सो आपका वेटिंग लिस्ट आया है। सबसे पहले भाइयों को मेल गया है, मेल के बाद जो है सो यारों से जो है सो कॉल गया है। कॉल जाने के बाद जो है सो वो अपना रिपोर्ट किए हैं। रिपोर्ट करने के बाद जो है सो उन भाइयों को डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए बताया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है सो बनाना है। तो सारी प्रक्रियाएं जो है सो यारों में बताया गया, और वो डॉक्यूमेंट्स भाई लोग बना करके कुछ भाई जो है रिपोर्ट कर दिए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिए हैं, और कुछ भाई जो है भी, कुछ भाइयों को करवाने के लिए जो है सो ये बाकी है। जितनी भी वेटिंग लिस्ट में जिन्हें भाई का सिलेक्शन हुआ है, तमाम भाइयों को ढेरों सारी शुभकामनाएं है। ये लगभग अभी का अपडेट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि अभी पीडीएफ आया नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि कटिहार और दानापुर में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो उन सभी भाइयों को जो है सो लेटर भेजा गया है। और जो भी और भी सीट खाली है साथियों, वो आपको 10 अप्रैल के आसपास जो है सो जितनी भी और भी सीट खाली हैं, वो सभी सीट को भर लिया जाएगा। क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे साथियों कि 21 अप्रैल से जो है सो डिस्पैच का डेट मिला है, 21 अप्रैल से डिस्पैच करना है सभी को। तो मैं बता दूं कि और भी कुछ सीट खाली हैं, तो जैसे और भी सीट खाली होने का कारण बता, जैसे डॉक्यूमेंट्स, जैसे मान लीजिए कि आपको वेटिंग में तो आया है आपका नाम, और वेटिंग में डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार से आपको ज्यादा फॉल्ट है, तो अगर आप टाइम आपको दिया जाता है, उस टाइम में अगर आप डॉक्यूमेंट्स जो है सो आप नहीं जमा करते हैं, वेरिफिकेशन आप टाइम से नहीं करवाते हैं, तो उसमें भी आपको जो है सो अनलिस्टेड कर दिया जाएगा, मतलब लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, और उसके जगह पर जो है सो दूसरे अभ्यर्थी को जो है सो ऐड कर दिया जाएगा। तो मैं अभी तक जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, जहां तक जानकारी
मैं आप लोग को अपडेट दिया हूं। तो साथियों मैं आप लोग को बता दूं कि आपको फाइनली जो लिस्ट की जो आप लोग को इंतजार होगा, तो फाइनल लिस्ट जो है साथियों आपको लगभग 10 तारीख आसपास आने वाला है, क्योंकि और भी जो लेटर कुटअप जो हुआ है, कुछ अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करना चाहते, कुछ यारों के माध्यम से जो है सो लेटर को जारी किया गया है, तो वो सीट जो अब खाली है और लगभग अब 10 तारीख के जो है सो आसपास सब फिलअप हो जाएगा। 10 के आसपास लगभग जितनी भी वेटिंग का जो प्रक्रियाएं हैं साथियों, वो सारा जो है सो कंप्लीट हो जाएगा। तो और भी जो भी भाई इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन भाई का वेटिंग लिस्ट नहीं लगा या नहीं लगेगा, तो उन भाइयों के लिए हमारा संदेश है, भाई कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। भाई फिर 22 अप्रैल को जो है सो एग्जाम हो रहा है रिटेन का, तो बस अपने तैयारी को बरकरार रखिए, कोशिश करने वाले को हार नहीं होती है। इस बार नहीं है हुआ है तो अगले बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा साथियों। इस बार मानते हैं कि आपका स्कोर कुछ कम रहा है, कुछ नंबरों से आप जो है सो मेरिट लिस्ट से बाहर रहे हैं, तो मैं आप लोग को यही सजेशन दूंगा कि बस माइंड इधर उधर ना भटकाएं, माइंड को इधर उधर ना ले जाएं, और जोश और जुनून जज्बे के साथ जितना भी टाइम आपका बचा हुआ है साथियों, उसमें एफर्ट लगाएं और अपना स्कोर लाएं, बेहतर से बेहतर स्कोर लाएं, कि जो भी एक दो नंबर से इस बार आप छठे हैं, अगले बार जो है सो आपका मेरिट लिस्ट में नाम जरूर है। फिजिकल जो है सो 100 में 100 लाएं, अब रिटर्न प्रयास के लिए 50 में 50 लाने का जितना एफर्ट लगता है आप लगाइए, क्योंकि अगर अच्छा स्कोर आप करते हैं साथियों, आपको जो है सो मेरिट लगने से कोई नहीं रोक सकता है साथियों। बस निरंतर प्रयास करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों का हार नहीं होती है, संघर्ष ही जीवन है साथियों। तो साथियों आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं साथियों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी मैं सही और सटीक वीडियो में अपने चैनल पर डालूं, आपको जो है सो फट से नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके साथियों। साथियों मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मैं प्रयास करूंगा आपका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक मैं दे दूंगा, उसमें आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जहन।